हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि Google Pay का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको Google Pay का अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको Google Pay ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अगर दोस्तों आप पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दें और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू इंस्टॉल करें और हमारे कोड का इस्तेमाल करें ताकि तो आपको भी जो है पहले ट्रांजैक्शन में 21 से 100 रुपए तक का कैशबैक मिल जाए। और दोस्तों, इसे अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे वही मोबाइल नंबर एंटर करें दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट के साथ ऐड हो, लिंक किया हुआ हो। ठीक है, इंटर करने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जीमेल आईडी का ऑप्शन आता है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं या फिर दोस्तों उसी को रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएंगे। अगर दोस्तों वो मोबाइल नंबर आपके उसी फोन में ऐड किया हुआ है तो जो ओटीपी है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके जो सिम है वो किसी और फोन में है तो आपको वो कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका ओटीपी यहाँ पे थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएंगे और वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दोस्तों एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन लॉक भी चूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों क्रिएट ए गूगल पिन, तो मेरे बात अगर माने दोस्तों तो यहाँ पे जो है गूगल पिन जो है क्रिएट कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है क्रिएट गूगल पिन पे, क्यों दोस्तों ये थोड़ा ज्यादा ही सिक्योर है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना कोड एंटर करना होगा। दोस्तों ये आपको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको 4 डिजिट का दोस्तों दो बार जब कोई भी कोड एंटर करना है, जो आप पहले एंटर कीजिएगा वो दूसरी बार भी एंटर करना है। दोनों एंटर करने के बाद दोस्तों आपको जो है एक नया पेज आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट एंटर कर लेता हूँ। एंटर जैसे ही कर लेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो है मोर का ऑप्शन आएगा, या फिर इसे आप कट भी कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे नीचे नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप जो ऐड बैंक अकाउंट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो अपने लोगो ऊपर में दिख जाएगा उस पर क्लिक करके दोस्तों जैसे आप क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे भी ऐड बैंक अकाउंट है और यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंड मनी या अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट में, इस पे क्लिक करके भी दोस्तों आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉपुलर बैंक है वो ऊपर ही आ जाता है। अगर आपका बैंक यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर में सर्च बार है आपको अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना। हालांकि दोस्तों मेरा एक्सिस बैंक है, फिर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सिस लिखूंगा तो देख सकते हैं मेरा बैंक ऊपर में आ गया। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों, उसके बाद अलाउ मांगेगा, आपको अलाउ वगैरह दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो है कंटिन्यू करना है, आपके जो फोन नंबर के बारे में बोलेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको जो अलाउ मांगेंगे ये सारे अलाउ और थोड़ी देर में दोस्तों आपके अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट लिखा रहा है, उसका दोस्तों बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इससे पहले फोन पे या फिर दोस्तों पेटीएम पे कुछ भी यूज किया है तो आपका वही यूपीआई पिन आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमको यूपीआई पिन सेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आया, लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको अपना जो यहाँ पे एटीएम कार्ड और उसका जो है एक्सपायरी डेट लेके दोस्तों आपको क्या करना है, यूपीआई पिन भी क्रिएट करना होगा। तो चलिए फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जो है यूजर नेम एक अपना फुल नेम ले लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके आपको इंस्टॉल करके इन प्रोसेस को करना है तो आपका सारा काम हो जाएगा। अगर दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा।